भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शुक्रवार को शपथ लेने वाले 52 मंत्रियों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विभागों का आवंटन किया है। सूची के अनुसार सीएम गृह, सतर्कता और कार्मिक सहित 34 विभागों को देखेंगे। दो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा संजय निषाद को मत्स्य पालन मंत्रालय जबकि नितिन अग्रवाल को आबकारी मंत्रालय मिलेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण विकास और खाद्य प्रसंस्करण और 4 अन्य विभाग मिलेंगे, जबकि एक अन्य उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को चिकित्सा शिक्षा के अलावा 2 अन्य विभागों के प्रमुख होंगे। बीजेपी को 255 सीटें मिली, जबकि सपा का वोट शेयर 21.82% से बढ़कर 32.6% हो गया। अपना दल और निषाद पार्टी ने 12-12 और 6 सीटें जीती। 403 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 273 सीटें हैं। तो चलिए अब आपको एक एक करके योगी सरकार के 52 पत्तों के बारे में बताते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार 2022 में किस मंत्री को क्या विभाग मिला है और किसको क्या जिम्मेदारी मिली है, कौन किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले योगी सरकार 2.0 में 52 पत्ते कुल हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, 16 कैबिनेट मंत्री हैं, 14 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं और 20 राज्य मंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने अपने पास कुल 34 विभाग रखे हैं। कुल 34 विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास हैं, जिसमें नियुक्ति, कार्मिक, गृह, सतर्कता, राजस्व, आवास एवं शहरी नियोजन, ये सारे विभाग शामिल हैं। और उसमें शामिल हैं खाद्य एवं रसद विभाग, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और भूतत्व एवं खनिकर्म, ये सारे विभाग भी योगी आदित्यनाथ ने अपने पास रखे हैं। इसके अलावा उन्होंने अर्थ एवं संख्या, राज्य कर एवं निबंधन, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन समेत प्रशासन भी उनके हाथ में रखा है। उन्होंने उसके साथ में गोपन, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत, वित्त, नियोजन, राज्य संपत्ति, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय समेत कई सारे विभाग अपने पास रखे हैं। प्रशासनिक सुधार उन्होंने अपने पास रखा है, कार्यक्रम कार्यान्वयन उन्होंने अपने पास रखा है, अवस्थापना उन्होंने अपने पास रखा है, भाषा, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास उन्होंने अपने पास रखा है, उन्होंने अपने पास लोक सेवा प्रबंध रखा है, उन्होंने किराया नियंत्रण अपने हाथ में रखा है, प्रोटोकॉल और सैनिक कल्याण भी उन्होंने अपने हाथ में रखा है। इसके अलावा उन्होंने प्रांतीय रक्षक दल, नागरिक उड्डयन, न्याय और विधायी विभाग, ये उन्होंने कुल 34 विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में रखे हैं। यानी कि कुल 34 विभागों की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संभालेंगे। तो आइए आगे जानते हैं कि मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री के हाथ में क्या क्या रहेगा। तो केशव प्रसाद मौर्य के पास ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य विभाग, ये सारे विभाग रहेंगे। इसके अलावा उनके पास मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम, राष्ट्रीय एकीकरण, ये विभाग उनके पास रहेंगे। इसके अलावा दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के हाथ में क्या लगेगा। तो ब्रजेश पाठक के पास चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग रहेगा। इस तरह से योगी आदित्यनाथ ने ये जो पूरी टीम बनाई है, ये बहुत सुदृढ़ टीम बनाई है उन्होंने, और उन्होंने अपने हाथ में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। अब जानते हैं कि इनके अलावा, ये तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात रही, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 16 कैबिनेट और 14 स्वतंत्र प्रभार, 20 राज्य मंत्री जो रखे हैं उनको क्या क्या दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी बात करेंगे। तो उनमें सबसे पहला नंबर आता है सुरेश कुमार खन्ना का, जिनके पास वित्त और संसदीय कार्य विभाग रहेगा। इसके बाद दूसरे नंबर आता है सूर्य प्रताप शाही का। सूर्य प्रताप शाही जो है वो कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान देखेंगे, तो ये विभाग कृषि से संबंधित उनके पास रहेंगे। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह के पास काफ़ी सारे हैं, जल शक्ति है उनके पास, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति है, सिंचाई संसाधन है, सिंचाई से संबंधित सारे विभाग जो हैं वो उनके पास रहेंगे। बेबी रानी मौर्य की बात करें तो उनके पास महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग रहेगा, तो ये बेबी रानी मौर्य के पास रहेगा। इसके अलावा बात करें तो लक्ष्मी नारायण चौधरी की, तो लक्ष्मी नारायण चौधरी के पास गन्ना विकास और चीनी मिलें रहेंगी। तो ये जो मंत्रिमंडल है वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने तैयार किया है। बात करें जयवीर सिंह की, तो जयवीर सिंह के पास पर्यटन और संस्कृति विभाग रहेगा। जयवीर सिंह फिरोजाबाद से हैं,
और धर्मपाल सिंह की बात करें तो धर्मपाल सिंह पशुधन, दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज और नागरिक सुरक्षा विभाग उनके पास है। नंद गोपाल गुप्ता की बात करें तो नंद गोपाल गुप्ता के पास औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, NRI, निवेश प्रोत्साहन, ये सारे विभाग रहेंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी के पास पंचायती राज रहेगा। तो बहुत चुन चुन के और बहुत सोच समझ कर के ये विभाग जो है वो आवंटित किए गए हैं। अनिल राजभर की बात करें तो उनके पास श्रम, सेवायोजन और समन्वय विभाग रहेगा। तो इस तरीके से जितिन प्रसाद जो हैं उनके पास लोक निर्माण विभाग रहेगा। तो सारे मंत्रियों को उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये विभाग आवंटित किए हैं। राकेश सचान की बात कर रहे हैं हम तो राकेश सचान के पास जो है वो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम रहेगा, खादी एवं ग्रामोद्योग रहेगा, ये सारे विभाग उनके पास रहेंगे। अरविंद कुमार शर्मा की बात करें तो उनके पास नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा, ये सारे विभाग रहेंगे। उच्च शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जो है वो योगेंद्र उपाध्याय के पास रहेंगे। इसके अलावा आशीष पटेल की बात करें तो आशीष पटेल मंत्री के पास रहेंगे प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप। और संजय निषाद की बात करें तो उन्होंने संजय निषाद को मत्स्य विभाग जो है वो सौंपा है। तो इस तरीके से जिम्मेदारियां बांटी गई हैं कि ये आपको लगातार बता रहा है कि योगी सरकार 2.0 में किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है। स्वतंत्र प्रभार की तो स्वतंत्र प्रभार में किसको क्या मिला है, 14 स्वतंत्र प्रभार में कुल मंत्री हैं जो उन्होंने रखे हैं, 14 राज्य मंत्री हैं जो स्वतंत्र प्रभार संभालेंगे। तो ऐसे 14 मंत्रियों को क्या क्या भार सौंपा गया है, तो देखिए नितिन अग्रवाल जो है उनको आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग दिया गया है, ये राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार से। और कपिल देव अग्रवाल की बात कर रहे हैं तो कपिल देव अग्रवाल को व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग दिया गया है, ये कपिल देव अग्रवाल की हम बात कर रहे थे। इसके अलावा रविंद्र जायसवाल की बात करें तो रविंद्र जायसवाल को स्टाम्प तथा न्यायालय, शुल्क एवं पंजीयन विभाग दिया गया है। बात करें संदीप सिंह की तो संदीप सिंह जो है वो उनको बेसिक शिक्षा विभाग दिया गया है, यानी कि बेसिक शिक्षा की जिम्मेदारी जो है अब संदीप सिंह निभाएंगे। गुलाब देवी की बात करें तो गुलाब देवी को माध्यमिक शिक्षा का विभाग दिया गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि महिला को भी यहाँ पर एक अच्छा सम्मान और एक अच्छा विभाग दिया गया है। गिरीश चंद्र यादव की बात करें तो उन्हें खेल एवं युवा कल्याण विभाग दिया गया है, ये खेल एवं युवा कल्याण विभाग गिरीश चंद्र को दिया गया है। धर्मवीर प्रजापति को दिया गया है कारागार एवं होमगार्ड्स विभाग। तो कारागार और होमगार्ड्स की जिम्मेदारी जो है वो धर्मवीर प्रजापति को दी गई है। उसके अलावा असीम अरुण को दिया गया है सामाजिक समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग। तो ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हम आपको बता रहे हैं। जयेंद्र प्रताप सिंह की बात करें तो उनको सहकारिता विभाग दिया गया है। तो इस तरीके से विभागों का आवंटन हुआ है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में बात कर रहे हैं हम अभी आपको बता रहे हैं। तो परिवहन जो है, परिवहन विभाग जो है वो दया शंकर सिंह को दिया गया है। तो इस तरीके से नरेंद्र कश्यप हैं, नरेंद्र कश्यप को पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग दिया गया है। तो नरेंद्र कश्यप की हम बात कर रहे थे। दिनेश प्रताप सिंह की बात करें तो दिनेश प्रताप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात से संबंधित सारी जो विभाग हैं वो दिए गए हैं। इसके अलावा अरुण कुमार सक्सेना की बात करें तो उनको वन एवं पर्यावरण विभाग, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग दिया गया है। इसके अलावा जिम्मेदारी दी गई है आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की दयाशंकर मिश्र दयालु को। तो दयाशंकर मिश्र दयालु को ये औषधि से संबंध जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। तो क्या ये पर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किसको क्या विभाग दिए गए हैं। ये एक इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस मंत्री को उन्होंने मंत्रिमंडल में क्या स्थान दिया है, क्या विभाग दिया है, क्या जिम्मेदारी सौंपी है। अब बात करेंगे हम 20 राज्य मंत्रियों की, तो 20 राज्य मंत्रियों को क्या क्या विभाग दिए गए हैं। तो योगी सरकार के 2022 के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्रियों की संख्या 20 है। मयंकेश्वर सिंह पहले नंबर पर आते हैं, इनको संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री से संबद्ध किया गया है। दिनेश खटीक को संबद्ध किया गया है जल शक्ति मंत्री से। तो ये जल शक्ति का काम जो है वो
उनके साथ मिलकर संभालेंगे। संजीव गौड़ की बात करें तो संजीव गौड़ को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार से संबद्ध किया गया है। बाकी बलदेव सिंह उलक हैं, ये एकमात्र सिख मंत्री हैं जिनको कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री से संबद्ध किया है। अजीत पाल की बात करें तो अजीत पाल जो हैं वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध किया गया है इनको। और अब बात करते हैं जसवंत सैनी की, तो जसवंत सैनी को संसदीय कार्य मंत्री से संबद्ध किया गया है और उसके अलावा उनको औद्योगिक विकास मंत्री से भी संबद्ध किया गया है। इसके बाद रामकेश निषाद की बात कर रहे हैं हम, तो रामकेश निषाद को जल शक्ति मंत्री से संबद्ध किया गया है। तो इस तरीके से ये पूरे जो राज्य मंत्री हैं उनको संबद्ध किया गया है दूसरे मंत्रियों से। मनोहर लाल कोरी हैं, इनको श्रम एवं सेवा योजन मंत्री से संबद्ध किया गया है। तो संजय गंगवार की अब बात कर रहे हैं, तो संजय गंगवार जो है उनको गन्ना विकास एवं चीनी मिले मंत्री से संबद्ध किया गया है। इसके अलावा अगले विभाग की तरफ, अगले मंत्री की तरफ चलें तो ब्रजेश सिंह हैं, ब्रजेश सिंह को लोक निर्माण मंत्री से संबद्ध किया गया है। अब बात करते हैं केपी मलिक की, तो केपी मलिक को वन एवं पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से संबद्ध किया गया है। सुरेश राही की बात करें तो सुरेश राही को कारागार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्री से संबद्ध किया गया है। इसके अलावा बात करें सोमेंद्र तोमर की, तो सोमेंद्र तोमर को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री से संबद्ध किया गया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं अनुप प्रधान वाल्मीकि हैं, उनको राजस्व मुख्यमंत्री से डायरेक्ट संबद्ध किया गया है। हमने आपको जो मंत्रिमंडल है योगी आदित्यनाथ के 2.0 का वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। प्रतिभा शुक्ला को महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री से संबद्ध किया गया है। इसके अलावा राकेश राठौर गुरु हैं, इनको नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री से संबद्ध किया गया है। रजनी तिवारी हैं, रजनी तिवारी को उच्च शिक्षा मंत्री से संबद्ध किया गया है। इसके अलावा अब सतीश शर्मा की बात करते हैं, सतीश शर्मा को खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मुख्यमंत्री से डायरेक्ट संबद्ध किया गया है क्योंकि ये बात उन्हीं के पास था। दानिश आज़ाद अंसारी एकमात्र इकलौते ये मुस्लिम नेता हैं जिनको अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री से संबद्ध किया गया है। विजय लक्ष्मी गौतम की बात कर रहे हैं हम, विजय लक्ष्मी गौतम को ग्राम्य विकास एवं समग्र विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण से मंत्री से संबद्ध किया गया है। तो इस वीडियो में हमने आपसे उत्तर प्रदेश सरकार 2022 का मंत्रिमंडल साझा किया कि कौन कौन से मंत्री किस किस विभाग को देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य कर लीजिए ताकि हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे।